हेलो गाइस, वेलकम टू एल्जेब्रोज़। तो आज हम क्लास 10 थ्योरम 1.6 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द थ्योरम इज लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है? पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n इंटू 5^m। ठीक है, एक एक एक्स है हमारे पास रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स हैं, मीन्स क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे? 2^n इंटू 5^m। सो सपोज कर लो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2^2 इंटू 5^1 ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से सपोज किए, एंड ऊपर हम ले लेते हैं 12। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12/20 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने q को 2^n इंटू 5^m की फॉर्म में लिखा है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जीरो से इस साइड होते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड होते हैं, मतलब वो होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ठीक है, जब हम ये सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो लास्ट में है देन एक्स, मतलब देन एक्स, एक्स जो हमने रैशनल नंबर लिया था इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये हमारा एक्स है, हमने क्यू को इस फॉर्म में लिख लिया और एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ये। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मीन्स जब हम 12 को 20 से डिवाइड करेंगे 0.06 तो 120, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या आएगा? टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। सो यही थी हमारी थ्योरम 1.6।